आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शब्द लाया हूं जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, धड़ल्ला शब्द। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डॉन्टलेसली विद पॉम्प एंड शो। ये तो मैंने दो वैसे ही लिख दी हैं, डॉन्टलेसली और पॉम्प एंड शो, लेकिन आगे मैंने कुछ और अंग्रेजी भी लिखी है क्योंकि वाक्य के अनुसार वही आएंगी। देखें, वह धड़ल्ले से बोला, डॉन्टलेसली की जगह फियरलेसली भी हम लिख सकते हैं, अनहेजिटेटिंगली भी लिख सकते हैं। ही स्पोक डॉन्टलेसली, वह धड़ल्ले से बोला, बिना डरे बोला, निर्भयता पूर्वक बोला, बेखटके बोला। इसकी इतनी हिंदी हुई, बेखटके। कभी कभी हम कहते हैं बेखटके, तो बिना डर के। ही स्पोक डॉन्टलेसली, ही स्पीक्स डॉन्टलेसली, वो धड़ल्ले से बोलता है, बिना डरे हुए बोलता है। देखें अगला सेंटेंस, बारात धड़ल्ले से निकली, बारात धड़ल्ले से निकली। देखें, द मैरिज प्रोसेशन, बारात की अंग्रेजी है, द मैरिज प्रोसेशन वेंट ऑन विद पॉम्प एंड शो। बारात धड़ल्ले से निकली, सड़क पर धड़ल्ले से निकली, द मैरिज प्रोसेशन वेंट ऑन विद पॉम्प एंड शो। देखें अगला सेंटेंस क्या है, किताब धड़ल्ले से बिक रही है, किताब धड़ल्ले से बिक रही है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, खूब बिक रही है, इसका अर्थ है खूब बिक रही है। द बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी, किताब धड़ल्ले से बिक रही है, द बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, धड़ल्ले से बिक रही है किताब। देखे अगली अंग्रेजी, फिल्म धड़ल्ले से चल रही है, फिल्म धड़ल्ले से चल रही है। दो अंग्रेजी दी है मैंने इसकी, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध सेंटेंस है, खूब बोली जाती है, जैसे जीरो फिल्म है, खूब धड़ल्ले से चल रही है, शोले फिल्म थी खूब चली, प्रतिज्ञा फिल्म थी खूब चली, बहुत सारी फिल्में खूब चली, मुगले आजम बहुत चली। तो इस तरीके से मैंने इसकी अंग्रेजी ली है, फिल्म धड़ल्ले से चल रही है, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में। देखें, द फिल्म इज हैविंग ए गुड रन, आर यू एन, द फिल्म इज हैविंग ए गुड रन, फिल्म धड़ल्ले से चल रही है। दूसरी अंग्रेजी देखें, द फिल्म इज अट्रैक्टिंग ह्यूज क्राउड, द फिल्म इज अट्रैक्टिंग ह्यूज क्राउड, अर्थात बहुत भीड़ जा रही है फिल्म में, अर्थात फिल्म खूब चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। इस प्रकार से जब फिल्म बनती है और खूब चलती है तो हम इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बोलेंगे, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। देखें, वह पहाड़ पर धड़ल्ले से चढ़ जाता है, यहां मैंने फियरलेसली शब्द का यूज किया है, फियर माने होता है डर, फियरलेस माने निर्भीक, फियरलेसली माने धड़ल्ले से, निर्भयता पूर्वक। ही क्लाइम्स माउंटेन्स फियरलेसली, अर्थात वो पहाड़ों पर बिना डर के, बेखटके, धड़ल्ले से चढ़ जाता है। वह धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता है, यहां शब्द अलग लगेगा, शब्द होगा वो फ्लुएंटली, FLUENTLY, fluently, he speaks English fluently। यदि हम इसी को पास्ट में बोलना चाहते हैं, स्पोक लगा दें, SPOKE, स्पोक, he spoke English fluently, वो अंग्रेजी धड़ल्ले से बोला, he speaks English fluently, वो धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता है। किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, यहां पर हिंदी धड़ल्ले से बोलता है, अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलता है, कोई और भाषा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।